स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th क्लास 12th, बच्चों जो आपका एग्जाम होने वाला है 2023-24, अब सेशन जो है वो बहुत ज्यादा स्पीड अप हो गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि जो बहुत ही स्पेसिफिक मीडियाज हैं वो आपको बता रही हैं कि देयर आर सम कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स को हो रहा है, उसकी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए क्योंकि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जनरेट हो रही है। सो सीबीएसई में आप अगर क्लास 12th के छात्र हैं तो आप विषय बदल नहीं सकेंगे, करेक्ट। सो ये है कि सीबीएसई 2024 में होने वाली कक्षा जो 10th एंड 12th के बोर्ड वाले हैं उनके गाइडलाइन जारी कर दिए गए। अब उसके अनुसार ये है कि आप जो अगर क्लास 12th के छात्र हैं तो विषय नहीं चेंज किया जाएगा, यानी जो भी विषय आपने 11th में लिया है ना, आपको 12th में उसका एग्जाम देना है, यानी कि आप 9th और 11th में सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप 9th या 11th के बच्चे हैं तो इफ़ यू वांट टू चेंज द सब्जेक्ट डू इट, उन्हें वही विषय पढ़ना है जो आपने 11th में लिया हुआ है, ठीक है। सभी स्कूल को ये निर्देश दिया गया कि वे छात्र की फोटो और उनकी इन्फॉर्मेशन सावधानीपूर्वक भरें। कई बार स्कूल लापरवाही से आपकी फॉर्म फिलअप करता है और वो आपके एडमिट कार्ड में रिफ्लेक्ट होता है और उसके बाद बहुत दिक्कत होती है, ठीक है, और ये हर साल होता है। तो सीबीएसई ने तो कहा ही है आप भी जब अपना डिटेल दें तो बहुत ही सावधानी पूर्वक दें। तो सीबीएसई के अनुसार 10th और 12th की बोर्ड फेब में होने वाली है, फेब के सेकेंड वीक में, तो स्कूलों को इस बात की सूचना पहले से दे दी गई है। पहले उन विषयों की परीक्षा होगी जिनमें छात्रों की संख्या कम रहेगी। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि शुरू वाले जो एग्जाम्स होते हैं वो उन सब्जेक्ट्स को होते हैं जिनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, और जो मेन सब्जेक्ट्स हैं आपके वो मार्च में ही स्टार्ट होंगे, ठीक है। बट द पैटर्न हैज चेंज और पेपर डिफिकल्ट ही आएगा। 10th और 12th में नहीं मिलेगा, यानी कि अतिरिक्त सब्जेक्ट, अब एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स यहाँ अब नहीं ले सकते। जो भी चेंजेस होने थे वो 9th एंड 11th में ही जब रजिस्ट्रेशन हो रहा था उसी वक्त आप ले सकते थे। और जिन बच्चों को लगता है कि 75% अटेंडेंस मैंडेट नहीं है, तो बेटा ये मैंडेट है। हाँ, 1 जनवरी तक आपका 75% स्कूल में अटेंडेंस होना चाहिए। डू आस्क योर क्लास टीचर जो आपका अटेंडेंस बनाते हैं। देखो कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि उन्होंने अटेंडेंस कंप्लीट नहीं की थी पर उनको एग्जाम देने में दिक्कत नहीं हुई, तो ये स्कूल के एंड से होता है। स्कूल अगर बहुत ही स्ट्रिक्टर है तो वो आपके अटेंडेंस को प्रॉपर काउंट करता है। स्कूल अगर थोड़ा सा लीनियंट है तो वो अटेंडेंस लगा देता है बच्चों की। तो आपका स्कूल कैसा है ये तो आपको पता होगा, बट जो रूल है सीबीएसई का वो तो यही कहता है कि अगर आपकी 75% अटेंडेंस नहीं है 1 तारीख तक, 1 जनवरी तक, तो आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। और विषय समूह गलत डाला तो एग्जामिनेशन कैंसिल। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, विषय समूह अगर आपने गलत डाला तो आपका एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सीबीएसई में 10th और 12th में छात्रों को लेकर कई बार ऐसा होता है कि स्कूल के प्राचार्य को भी निर्देश दिया जाता है, लेकिन दोनों परीक्षाओं को लेकर शुक्रवार से फॉर्म भरने भी शुरू हो गए हैं। 10th और 12th में इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस और कंप्यूटर साइंस छात्र एक साथ नहीं ले सकते। देर आर सब्जेक्ट जो आप एक साथ नहीं ले सकते, जो रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, अगर मिस्टेकनली दिलवा दिया तो फिर आपको एग्जाम ही नहीं देने दिया जाएगा। 10th और 12th बोर्ड दोनों परीक्षाओं के लिए भिन्न विषयों में इनवैलिड ग्रुप की सीबीएसई ने सूची जारी कर दी है। इसके मुख्य विषयों के साथ ही लैंग्वेज स्किल सब्जेक्ट जो होंगे, अलग अलग ग्रुप्स हैं उसके हिसाब से ही आप ले सकते हैं। और सीबीएसई ने सख्ती की है कि जिस विषय की स्कूल में मान्यता है, देखो हर स्कूल ने हर सब्जेक्ट के लिए मान्यता नहीं ली होती है, ठीक है, उन्होंने जिनके लिए सेलेक्टेड ली होती है आप उन्हीं में भर सकते हैं। सीबीएसई के तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आपका स्कूल भी डिपेंड करता है कि आप कौन से सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जिनके लिए एप्लीकेशन लिया होगा वही आप ऑप्ट कर सकते हैं, उन्हीं विषय में वो फॉर्म भरवा पाएंगे। पिछले साल बड़ी संख्या में गड़बड़ी पकड़ी गई थी, इसलिए मैं कह रही हूँ सावधानी से, ध्यान से। फॉर्म भरने के दौरान यह मामला सामने आया था कि स्कूल में पढ़ाया गया कुछ और विषय और छात्रों ने भरा कुछ और। ऐसा होता है ना, स्कूल के टीचर्स को ही नहीं पता कि क्या ये सब्जेक्ट का हम फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं, नहीं पढ़ा दिया, लेकिन एंड मोमेंट में जब पता चला फॉर्म नहीं भर सकते तो फिर सब्जेक्ट चेंज हुआ। तो अगर ये प्रॉब्लम मान लो आप अभी से पढ़ रहे हो और फॉर्म फिलअप में आपको सब्जेक्ट चेंज करना पड़े तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। तो बोर्ड ने निर्देश दिया है कि इस बार ऐसा करने वाले विद्यार्थियों को न केवल आवेदन रद्द होगा बल्कि संबंधित स्कूल पर भी कार्रवाई होगी। स्कूल पे तो एक्शन लिया ही जाएगा और स्टूडेंट का जो एप्लीकेशन है, रजिस्ट्रेशन, वो कैंसिल हो जाएगा। सीबीएसई स्कूल संगठन सहोदय के सचिव श्री सतीश कुमार झा ने बताया है कि हर ग्रुप में 6 से 7 सब्जेक्ट हैं। यस,
उनमें कौन सा सब्जेक्ट कैसे रख रहा है यह स्कूल पे डिपेंड करता है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी आप रखिए ताकि स्कूल की वजह से आपको सफ़र ना करना पड़े, ठीक है। एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक है, प्री बोर्ड्स भी आपके दो होंगे, नवंबर में स्टार्ट हो जाएंगे और इसमें ब्लू प्रिंट भी आने के चांसेस कम हैं। सो जैसा कि आप सबको मैंने पहले बताया था कि इस बार का एग्ज़ाम स्ट्रिक्टर होने वाला है, डिफ़िकल्ट होने वाला है और NCERT इज़ द ओनली सोल्यूशन फॉर यू, ठीक है। तो NCERT जो है, हमने एक स्मॉल बैचेस का एक बनाया है जिसमें क्लास 10th की साइंस और क्लास 12th की केमिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं और 1 सितंबर से बैचेस बिगिन होंगी जिसमें आपको हाईलाइटेड PDF ऑफ NCERT शेयर की जाएगी और उसी से हम आपको पढ़ाएंगे और आपको सारे कॉन्टेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। स्मॉल बैचेज होंगे, इट विल बी 6 मंथ्स कोर्स। आप अपने डाउट्स 1-to-1 शेयर कर सकते हैं, देयर विल बी नो इशू। क्लासेस आपकी जूम पे होंगी और जो फी है दैट हैज बीन रिवाइज्ड, 50% डिस्काउंट कर दिया गया स्टूडेंट की डिमांड पर। इट इज नाउ ओनली ₹1000 पर मंथ। ये जो बैचेज हैं, एक तो रेगुलर बैच होगा, कंपार्टमेंट के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। आप ये जो ईमेल आईडी है इस पर मेल कर दीजिए या ये जो नंबर आपको दिख रहा है इस पर आप मुझे SMS कर सकते हैं या WhatsApp कर सकते हैं ताकि आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। आपके प्रीवियस सेशन के स्टूडेंट्स ने भी इन कोर्सेज का बहुत फ़ायदा उठाया एंड दे गॉट वेरी गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम, इवन इन कंपार्टमेंट बैचेज। आई विल टेल कि बहुत से बच्चों ने अच्छा स्कोर किया, तो अगर आप भी अच्छा स्कोर करने चाहते हैं तो जल्द से जल्द बैच को ज्वाइन कर लीजिए। तो 3 तरह के बैचेज हैं, एक है आपका रेगुलर बैच जो बोर्ड देने वाले हैं आप, एक है आपका कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट वाले बच्चे और तीसरा है ये मिड टर्म बैच जिसमें एक बुक पढ़ाई जाएगी एंड फॉर क्लास 12th एक इम्पॉर्टेंट आप देख सकते हैं 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज बन गई है केमिस्ट्री की एंड इसमें सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड में आएंगे। तो जैसे जैसे आप चैप्टर्स पढ़ते हैं आप इन क्वेश्चंस को देखिए ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल सके और इस प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। एंड आपको CBSE से रिलेटेड कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट चाहिए, कॉन्टेंट चाहिए, तो आप चैनल से ज़रूर बने रहिए क्योंकि आपको ऑन टाइम सबसे पहले इस चैनल पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी एंड रेगुलरली मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ऑल द बेस्ट।